नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और अपने YouTube फैमिली में। दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से रूबरू होकर। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं नायलॉन सेव बनाने की सिंपल रेसिपी हमारे चैनल पर। दोस्तों 4 किलो बेसन है और यहाँ पर 1 किलो हमने चावल का आटा लिया है। नायलॉन सेव बनाने के लिए आप इस मेजरमेंट का ध्यान रखें। अब हम इसके अंदर मसाले जो ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम 120 ग्राम नमक ऐड करेंगे, 4 टेबल स्पून। ये नमक ऐड हो गया। इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून। मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून। ये हमारे मसाले हो गए। अब हम इसके अंदर मोयन के लिए 100 ग्राम तेल ऐड करेंगे। अब हम आटा लगाएंगे, सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे इसका। अब सभी मसालों और मोयन को अच्छी तरह से आटे के साथ मिक्स कर ले पहले, उसके बाद में हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो पानी भी आपको एक साथ में नहीं लेना है पूरा, पहले 1 लीटर डालें, उसके बाद में जितना लेना है थोड़ा थोड़ा करके कुल 2 लीटर पानी ऐड होगा। मसाले ऐड हो गए, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले 1 लीटर लिया है, लगा के देखते हैं, और पानी लगेगा तो और ले लेंगे। तो यहाँ पर सॉफ्ट डो हमने तैयार कर दिया है दोस्तों। चलिए अब हम इसकी नायलॉन सेव तैयार करते हैं। 1/2 किलो 250 ग्राम, 1 किलो का मेजरमेंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रहा हूँ, वहाँ जाके चेक कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कप के हिसाब से भी लिखा है और ग्राम के हिसाब से भी लिखा है। तो यहाँ पर देखिए एकदम बारीक साइज है, तो हम इसका इस मशीन में बना रहे हैं। इसमें आटा फिल करते हैं पहले। तो गाइज आपको यहाँ पर बड़ी वाली मशीन है तो बड़ी वाली मशीन लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास छोटी मशीन है तो मैं यहाँ पर साइड में फ़ोटो दे रहा हूँ, वो वाली मशीन भी आप ले सकते हैं। घर पर बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है बनाने का। चलिए अब हम सेव बना नायलॉन सेव तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पर तेल लिया है, कढ़ाई में तेल गर्म तेल है दोस्तों, मीडियम से थोड़ा हाई गर्म तेल होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं। चलिए अब हम सेव निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए आसानी से एकदम सिंपल तरीका है दोस्तों, आप देखिए मैं आपको एक नहीं 2-3 बार बताऊँगा कि सेव कैसे बनाते हैं। जैसे ही पूरी सेव तेल के अंदर फ्राई होने के लिए निकल जाती है, तो उसके बाद में इसको जैसे ही इसके ऊपर झाग ख़त्म हो जाएंगे, तो हम इसको पलट कर इसको हम तेल से बाहर ले लेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल है। ये देखिए झाग ख़त्म हो गई, अब हम इसको पलटेंगे और फोल्ड करके बाहर ले लेंगे। और एकदम बारीक सेव है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, और इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गर्म तेल रहेगा तो सेव हमारी जल भी सकती है, इसीलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो यहाँ देखिए हमारी जो सेव है बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको बाहर ले लेते हैं और एक बार फिर से आपको बताते हैं कि सेव फिर से तेल पर तेल में कैसे छोड़ते हैं। तो यहाँ पर रेडी हो गई सेव, को थोड़ा ऐसे आड़ा रखें ताकि पूरा ऑयल एडजस्ट हो जाए। और देखिए यहाँ पर सेव को इस तरह से घुमाना है तो मशीन को, और मशीन को तेल से ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है और ज़्यादा अंदर भी नहीं रखना है, एकदम तेल के हल्का सा ऊपर रखना है और सेव को मशीन से घुमाना है ताकि हमारे सेव अच्छे से इसके अंदर निकल जाए और इसमें कोई गांठ भी ना रहे। अब देखिए झाग ख़त्म होते ही इसको पलट लेंगे। तो अभी देखिए इस पे झाग ख़त्म हो गए हैं, अब हम झारे से इसको पलट कर इसको बाहर ले लेते हैं ताकि हमारी सेव जो है अच्छी बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगी और एकदम क्रिस्पी बन गई हैं। तो दोस्तों 1/2 किलो, 1 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 1/2 किलो का जो भी मेजरमेंट है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रहा हूँ, आप आसानी से वहाँ से देखकर घर पर बना सकते हैं। पूरे मसाले में ग्राम और
कप के हिसाब से बता दूंगा। तो यहाँ देखिए सेव हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, एकदम क्रिस्पी, एकदम बढ़िया तरीके से। तो चलिए अब हम सेव को बाहर लेते हैं और आपको इसी तरह हम पूरी सेव बनाते हैं और उसके बाद में आपको बताते हैं कि सेव हमारी कैसी बनी है, कितनी क्रिस्पी बनी है। तो हमने यहाँ पर सेव पूरी देखिए बाहर ले ली है, बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट सेव बनी है दोस्तों। तो अब तो दोस्तों ये हमारी सेव यहाँ पर देखो रेडी हो चुकी है, अभी बहुत सारी सेव बनानी बाकी है, तो पूरा वीडियो बना पूरा सेव निकालता हूँ, उसके बाद में पूरा आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी नायलॉन सेव बनकर रेडी हो गई है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए बहुत ही बढ़िया और शानदार सेव बनकर रेडी हो चुकी है हमारी, तो एकदम क्रिस्पी बनी है ये देखिए। तो गाइस इस प्रकार से आपको बनानी है सेव, मैं आपको पूरी सेव दिखाता हूँ। यहाँ देखिए पूरा सेव हमारा बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और एकदम शानदार सेव बना है। तो गाइज इसको कैसे बनाना, क्या बनाना, आपने वीडियो में पूरा देख लिया है। तो दोस्तों आधा किलो, एक किलो, पाव किलो सबका मेजरमेंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रहा हूँ। तो दोस्तों एक कप के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से सब मेजरमेंट मैं नीचे दे रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड मॉर्निंग, जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर वो चाहे कारोबार हो या रिश्ता।